पूरी मंडी में मुझे खूबसूरत लगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई, इसकी लेंथ माशाल्लाह खूबसूरत, इसलिए मेरा दिल चला लगा रहे हैं। इसकी देखो लेंथ, इसकी लेंथ देखो, देखें ये लेंथ तकरीबन हमारे जितनी है, हमारे माशाल्लाह मेहनत तो की है, ये तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोग के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मोहम्मद बैर। मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, ईद उल अजहा की आमद आमद है और मंडियों में बड़े बड़े खूबसूरत और तगड़े तगड़े जानवर जो है वो पहुंच चुके हैं और खरीदारों का भी जो है वो आपको पता है कि रश लगना शुरू हो चुका है। इस टाइम मैं शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ और ये जो टाइम है ये तकरीबन सुबह का टाइम है। हमने सोचा कि फजर के बाद निकला जाए क्योंकि अमूमन जो लोग हैं वो फजर के बाद खरीदारी को प्रेफर करते हैं। गर्मी है लेकिन फजर के बाद जो है वो मौसम थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो मंडी में आ चुके हैं और जानवर यहाँ हर तरफ आप देखें माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं, बड़े बड़े बैल हैं। ये चौधरी कैटल फार्म है और यहाँ पर बड़े बड़े जो बैल हैं वो मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत हैं और ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो ये एक साहब हैं, ये बैल की खरीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? गुजरावाला। बैल खरीदने के लिए आए हैं? बैल खरीद। तो अभी तक पसंद आया मार्केट में? हाँ, कुछ चंद एक पसंद आए हैं, उनके रेट लगाए हैं, मगर तो कुछ व्यापारियों की समझ नहीं आती, कुछ हमें सौदा नहीं होता। तो इस फार्म पे, कैटल फार्म पे, चौधरी कैटल फार्म पे कोई आपको बैल पसंद आया? हाँ, ये बैल हमने जो पसंद किया है। अच्छा, ये वाला बैल माशाल्लाह है, माशाल्लाह। 21 लाख रुपया कीमत मांग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत बैल है। अच्छा, 21 लाख रुपया इसका मांग रहे हैं? जी जी जी, माशाल्लाह। नाज़रीन ये बड़ा माशाल्लाह, ये दिखाएं, कैमरा मैन दिखाएगा, ये माशाल्लाह ये मेरी हाइट के बराबर या तकरीबन, माशाल्लाह खूबसूरत बैल है। 21 लाख रुपया जो है वो इनकम। अच्छा, 21 लाख, आपने कोई रेट लगाया इसका? अभी 10 लाख रुपया इसका रेट। अच्छा, 10 लाख रुपया, आप इधर आ जाएं। 10 लाख रुपया आपने इसका, तो क्या कहते हैं, 10 में तो दे देना चाहिए, आधो आध पे फर्क होता है तकरीबन। 10 का बैल होता है, 20 मांग लेते हैं। ये तो हमारा ख्याल है ना, मगर ये उनकी सोच है कि हमने नहीं देना। कहाँ तक वो नहीं दे रहे, पर हमारी कोशिश है कि थोड़ी बहुत और जो है ना कसर ऊपर नीचे करके मिल जाए तो अच्छा है, दिल आ गया हमारा। तो कितना इसमें मजीद इसमें ऊपर नीचे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि कमो पेश 1 या 1.5 लाख रुपया। 1-1.5 लाख, यानी 11-11.5 लाख के अंदर हमारी अरेंज जो है ना, और यहाँ हमारी सोच के मुताबिक कितने का होना। आप लाहौर से ही है? नहीं, गुजरावाला से। अच्छा, गुजरावाला से आए हैं? गुजरावाला। गुजरावाला से आप लाहौर में मंडी में आप जो है वो जानवर खरीदने के लिए आए? हाँ। तो गुजरावाला तो माशाल्लाह पहलवानों का शहर, वहाँ तो पहलवान बैल वहाँ भी तो होने चाहिए ना? बिल्कुल। तो वहाँ छोड़ के आप लाहौर की मंडी में आ गए? बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात ठीक है। मगर हमारे करीब तरीन गुजरावाला के बाद ये सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा बड़े तगड़े बैल, इसलिए यहाँ चक्कर लगाने के लिए आते हैं। गुजरावाला से मिल जाए तो वहाँ से ले लेते हैं, नहीं तो और भी मंडियां वहां भी चक्कर लगाते रहते हैं, जहां से चीज मिल जाए वहां से ले लेते हैं। कुर्बानी तो छोटे बैल की भी हो जाती है, लेकिन ये माशाल्लाह इतना बड़ा बैल आप खरीद रहे हैं, क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये अल्लाह पाक की तकसीम है। अल्लाह जब पैसे देता है तो आदमी को अल्लाह दिल भी अता करता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस लिहाज से हमारी ख्वाहिश है कि जो अल्लाह ने पैसा दिया हम अल्लाह के रास्ते में खर्च, अल्लाह के रास्ते में, इसलिए जो सबसे खूबसूरत जानवर है वो अल्लाह ताला की राह में जो है वो कुर्बान किया। तो ये भी साथ में आपके ये भाई हैं? अच्छा, 6 भाई हैं। हाँ, और हमारा कारोबार गुजरावाला में। अच्छा अच्छा, श्री पाए के नाम से। अच्छा अच्छा, श्री पाए का कारोबार का आपने जिक्र किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो और भी मजेदार हो गया बात। तो सिरी बाई का आपका तो काम है, मतलब जानवरों का ही होगा ना, छोटे या बड़े? छोटे, यानी जानवरों से आपका वास्ता पड़ता ही रहता है, क्योंकि बकरों की भी तो आप खरीदारी करते हैं ना? ये बच्चे हैं जो है ये साल बाद हम लाहौर जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, गुजरा माले में जाते हैं, तो उधर फिर कुर्बानी के लिए। और कुर्बानी सबसे अच्छी और खूबसूरत जो मुझे लगे ना, मैं अल्लाह की दाद होती हूँ। इस जानवर में आपने क्या खास देखा है, जरा इधर हम इस जानवर के पास ही आ जाते हैं और इसी की बात कर लेते हैं। माशाल्लाह, इसमें क्या खास आपने देखा कि आपको ये पसंद आ गया? पूरी मंडी में मुझे खूबसूरत लगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई, इसकी लेंथ माशाल्लाह खूबसूरत, इसलिए मेरा दिल चला लगा रहा है इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह की राह के लिए कुर्बान करना है इसको, तो अपना मैं पैसे की बात नहीं की, पैसे की परवाह नहीं करेगा। तो फिर तो 21 लाख दे, रस्सा खोले ले जाए। नहीं, 21 लाख बहुत ज्यादा हो जाता है ना, आपने
अच्छा मुझे बताएं कि ज़ायरा मंडियां आप फिर रहे हैं और पिछले साल भी आप ज़ायरा कुर्बानी की होगी। हाँ जी। पिछले साल कितने का आपने बैल लिया था? पिछले साल मैं इतना अच्छा जो है ना मैं करीबन 7 लाख का। अच्छा इतना ही? तो अभी यानी महंगाई तो ज़ाहिर है फिर वो थोड़ी बहुत। हाँ तो लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई तो नहीं होगी कि वो 7, 8 या 10 लाख वाला जानवर अब 21 लाख उसका मांगा जाए? ये 20 लाख कुछ मांगा ना उसने, ये 10 लाख का 11 लाख का 20 लाख मांग लिया, जिधर भी काबू आया बच्चा। तो कहाँ तक सौदा हो जाएगा आपका क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोग मैंने कह दिया। अच्छा अच्छा। और 1 लाख 1.5 लाख 11, 11.5 के राउंड बोर्ड है वो मतलब माशाल्लाह। अच्छा जानवर में क्या चीजें देखनी चाहिए जो भी कोई मंडी में आए खरीदारी के लिए बड़े बैल की अगर हम बात करें? मतलब छोटा हो या बड़ा हो उसकी खूबसूरती होनी चाहिए। हाँ क्या खूबसूरती में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? देखो ना ये माशाल्लाह हाइट है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत 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 खूबसूरत। इसकी देखो लेंथ है। हाँ इसकी लेंथ देखो, देखें ये लेंथ तकरीबन हमारे जितनी है हमारे माशाल्लाह। मेहनत तो की है ये तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ क्योंकि आप भी वो सिरी पाई खाते हैं तो सिरी पाई इनको भी खिलाए हैं, मक्खन शक्कन वो देसी घी पेड़े सारा कुछ इनको खिलाया हमारे आए। पप्पू सिरी पाई पप्पू सिरी नाश्ता कब कर रहे हैं हम आपके पास? सुबह आ जाए। ठीक है सुबह आ जाए। ठीक है ये आने और वादा कर लिया है पप्पू सिरी पाई गुजरा वाला। ये लोकेशन मुझे बता दे कहाँ पे है? गुजरा वाले भगवानपुरा चौक, भगवानपुरा भगवानपुर घंटाघर में आके भगवानपुरा चौक में पप्पू सिरी पाई पे हम नाश्ता करने जा रहे हैं। ये हमारा ये वादा हो गया और हम इसका गोश्त भी खाने आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ये हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके नसीब में करे आपका कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके आपका सौदा हो जाएगा। तो जनाब वीडियो आपने देखी आपको यकीनन अच्छी लगी होगी, पसंद आई है वीडियो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मंडी की बहुत सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर जो है वो मिलने वाली है। मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह।